तीसरा क्या होता है? तीसरा सबसे वन टू वन टू पढ़ता है वन टू और तीसरा सर सब्जेक्टिव उतारते चलो तो मेरे साथ वन सब्जेक्टिव तीसरा है वन टू और लिख रहे चला था सर एग्जाम्पल हम लोग भी नहीं होता है जान गए थे फंक्शन क्या होता है वन टू और इनको हम क्या बोलते हैं दूसरा इनका नाम है सब्जेक्टिव फंक्शन समझ गया ना देखो वन टू इनका हिंदी क्या होता है आच्छादक समझ गया ना इसी का एक अन्य दूसरा नाम क्या है सब्जेक्टिव वन टू हम फंक्शन को क्या कहते हैं सब्जेक्टिव ये दोनों एक ही चीज है दो नाम समझ गया ना एक ही फलन का क्या हो गया दो नाम हो गया देखो इनको हम क्या बोलते हैं आच्छादक फलन देखो इनका डेफिनेशन इस प्रकार से होगा ए फंक्शन एफ सचेट ए टू बी इज सेट टू बी वन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन समझ गया ना सर्जेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ यदि और केवल यदि समझ गया ना इच एलिमेंट ऑफ बी इज द सम इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ डेट इज इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी वाई बिलोंग टू बी देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पर क्या है ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी एफ ए से बी में आच्छादक फलन किए जाते हैं समझ गया ना एफ ए से बी में आच्छादक फलन किए जाते हैं यदि और केवल यदि बी के प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट समझ गया ना ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो इमेज हो समझ गया ना क्या हो इमेज हो यानी बी में जो भी एलिमेंट रहेगा कैसे कर लेते हैं जी ए और बी तो बी में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा तभी हम क्या कहेंगे वन टू फंक्शन कहेंगे समझ गया ना कहने का अर्थ हो गया कि वाई बी का सदस्य हो वाई बी का सदस्य हो और एक्स किसका सदस्य हो ए का तो वाई बराबर क्या होगा एफ एक्स होगा तो इसका हम एग्जाम्पल जो है कल विस्तार पूर्वक समझेंगे समझ गया ना ये कैसे वन टू फंक्शन होगा और शॉर्ट डेफिनेशन भी देंगे ताकि एक लाइन का देंगे ताकि आपको याद हो जाए समझ गया ना यही ना इसका अर्थ हो गया कि एक्स ए का सदस्य हो समझ गया ना एक्स ए का क्या हो सदस्य हो ताकि देखो तब अस्तित्व क्या हो वाई यहाँ पर बी का वाई किसका सदस्य हो बी का वाई किसका सदस्य हो बी का तो वाई बराबर क्या होता है एफ एक्स वाई बराबर क्या होता है एफ एक्स होता है या
सब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा तक फॉलो करते हैं। देखिए इनका जो एस डेफिनेशन है वो है कि इफ रेंज ऑफ एफ, एफ का परिसर को डोमेन, को डोमेन तो एफ का जो परिसर है वो को डोमेन के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वन टू फंक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वन टू फंक्शन कहते हैं। जैसे दो डायग्राम हम बनाते हैं, ऐसे बना लिए ना, ये एफ हो गया, ए से बी में क्या है, फलन है ना। तो देखिए ये एक्स वाई जेड, ये ए बी सी हो गया ना। देखिए ए बी सी को हम क्या कहते हैं, रेंज। ए बी सी को हम क्या कहते हैं, ए बी सी को हम रेंज कहते हैं। और ये जो B है इसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। B को हम क्या कहते हैं, A को हम क्या कहते हैं, डोमेन। A को हम प्रांत कहते हैं हिंदी में, और B को हम क्या कहते हैं, सप्रांत। तो इसका जब आप रेंज लिखेंगे RNG रेंज, रेंज F, तो बोलिए ये जो रेंज लिखेंगे तो रेंज में क्या सब एलिमेंट आएगा, ABC, ABC आएगा ना। यहाँ पर आप लिख दीजिए ए बी सी, अब कोडोमेन हम लिखेंगे तो इसमें क्या सब एलिमेंट आएगा, कोडोमेन बोलिए तो एबीसी। एप का जो रेंज है, एप का जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इसी को हम क्या कहते हैं, वन टू फंक्शन कहते हैं। यदि मान के चलो कि इसी में क्या हो जाता, जैसे अलग से हम एक डायग्राम और बना लेते हैं, ये एफ जो एस बी में क्या है, फलन है, फलन है। तो इसमें एक दो तीन एलिमेंट है, इसमें चार पांच छह सात एलिमेंट हो गया ना। तो बोलो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम वन टू फंक्शन कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसका रेंज क्या होगा, चार पांच छो, इसका रेंज क्या हो गया, चार पांच छो। अब देखिए कोडोमेन क्या हो गया, चार पांच छह सात। तो आप बोलिए क्या बराबर होंगे, अगर इनको लिखना चाहो रेंज एफ, रेंज एफ बराबर कोडोमेन होता है ना वन टू के लिए, रेंज एफ बराबर क्या होता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन हम किसको कहते हैं, बी को, कितने कहते हैं, तो कोडोमेन ऐसे लिखेंगे। अब देखिए रेंज में कौन सा एलिमेंट आएगा, जैसे एक का रेंज क्या हो गया, चार, दो का पांच, तीन का छह, सात किसी का रेंज नहीं ना है। इसमें लिखेंगे चार पांच छह, लिख दिए, ये बराबर का चिन्ह है। कोडोमेन में क्या एलिमेंट आएगा बोलो, कोडोमेन में कौन सा एलिमेंट आएगा, चार पांच छह सात, चार पांच छह सात हो गया ना। अब देखिए ये क्या बराबर है आपस में, है बराबर, क्यों नहीं। देखिए चार पांच छह तो मिल गया, लेकिन सात है इसमें, तो सात रहता तब न बराबर होता। तो रेंज जो एफ है वो कोडोमेन के बराबर हुआ नहीं हुआ, तो ये आपको वन टू फंक्शन नहीं होगा, समझ गया ना। तो देखिए वन टू के लिए इस प्रकार से भी समझेंगे, यदि बी में एक भी एलिमेंट नहीं बचे, समझ गया ना, बी में एक भी एलिमेंट नहीं बचे, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, इमेज हो, बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, इमेज हो, इमेज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वन टू फंक्शन, अच्छा द फलन है। क्या फैक्ट होता है, एन फंक्शन ग्रेटर इक्वल टू एन बी, किसका है, वन टू, वन टू, वन टू का, समझ गया ना। यदि एन ए ग्रेटर इक्वल टू क्या हो, एन बी, एन बी, एन ए ग्रेटर इक्वल टू क्या हो, एन बी, तो उसको हम क्या कहते हैं, वन टू, और एकदम शॉर्ट में, समझ गया ना। यदि एफ ए से बी में फलन हो, एन ए ग्रेटर इक्वल टू एन बी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वन टू। ऑब्जेक्टिव में देखो पूछ सकता है इसी प्रकार से, चार ऑप्शन रहेंगे, कभी आपको इधर घुमा के दे देंगे, सी मरेगा ए और बी दोनों, डी मरेगा, इनमें से कोई नहीं, किसमें मारेगा, जिस ऑप्शन में ये रहेगा ये मान उसी में मारेगा, ठीक। इसलिए इनको क्या करेंगे, पूरी